होगा करना होगा। बीजेपी सरकार होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ। आवाम पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो। अब तक जो ये जुल्म बंद करो बीजेपी सरकार, बंद करो। बीजेपी सरकार होश में आओ। कम से कम गरीबों को राहत पहुंचाना होगा। गरीबों के अकाउंट में 7,500 पैसे देना होगा। हर गरीब को जो है 10 किलो चावल फराम करना होगा। पेट्रोल और डीजल के चार्जेस को कम करके आवाम को राहत पहुंचाना होगा। आवाज दो हमें गए, आवाज दो हमें गए। बीजेपी सरकार होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ। डीजल और पेट्रोल को चार्जेस को कम करो। शुक्रिया दोस्तों, हमारा प्रोग्राम जो है यहीं पे खत्म होता है। ताउन करने वाले आप लोगों को, मीडिया को और पुलिस वालों को मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपने प्रोग्राम को जो है। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से बीजेपी सरकार अब तक 28 बार जो है पेट्रोल और डीजल के चार्जेस बढ़ाते हुए गरीब और मजदूरों और मेहनत कशों पर जुल्म कर रही है। यह सरासर जो है नाइंसाफी है, ये आवाम के गला काटने के बराबर है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल चार्जेस बढ़ जाते हैं तो तमाम अशय खुर्दनी के चीज़ें भी बढ़ जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। आज गरीब आदमी जो है इस कोरोना के हालत में जीना मुश्किल हो गया, कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करके जो है उसका बीवी बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। ऐसे संगीन हालत में कम से कम जो है बीजेपी सरकार गरीबों पर रहम नहीं कर रही है। इस तरह बेरहमी से जुल्म करना कहाँ का इंसाफ है करके हम CPM पार्टी की जानिब से बीजेपी सरकार से डिमांड करते हैं। फौरन जो है इस तरह बढ़ाए गए डीजल और पेट्रोल को चार्जेस को कम करके आवाम को राहत पहुंचाना, ताकि जो कम से कम तरकारी भाजी वगैरह खरीद कर जो है गरीब लोग जो है जी सकते हैं। वरना इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो जो है बहुत ये आवाम पर सरासर जुल्म है। जबकि दूसरे रियासतों में भी इस तरह से पेट्रोल चार्जेस बढ़ रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रियों में इसके चार्जेस बहुत कम है। पाकिस्तान देख लिए, बांग्लादेश देख लिए, वहाँ से 80 रुपए तक के कम है। और यहाँ पे ये जुल्म क्यों, ये टैक्स पर टैक्स जो है लगाकर इस तरह से गरीबों को, खासतौर से मजदूर मेहनत कष्ट करने वालों के ऊपर जुल्म करना बंद करके हम जो है CPM पार्टी की जानिब से डिमांड करते हैं। यही नहीं भाई और दोस्तों, आज के हालात अभी कल ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन गरीब लोग जो अभी शहर में नहीं बाहर निकले हैं, अब ऐसे हालत में फिर जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना, रोजगारी के लिए तलाश करना, हाथ पैर मारना कितना मुश्किल है, उन गरीब लोगों से पूछिए। यहाँ पे खासतौर से ओल्ड सिटी में गरीब लोग जो है इतना बेबस, इतना मजबूर, इतने लाचार हो चुके हैं, उनका जीना कम से कम जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। कम से कम साफ पानी भी जो है उनके लिए मैसर नहीं है। ऐसे हालत में कम से कम जो यहाँ की सरकार जो इनको टैक्स जो है इसमें कम से कम 36 या 35 रुपए जो है टैक्स यहाँ की सरकार भी ले रही है, कम से कम ये अगर भी जो है अगर माफ करेंगे तो जो गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आप देखिए केरला सरकार वहाँ पे 36 या 28 रुपीज तक जो है वहाँ टैक्स माफ करके जो है बहुत पेट्रोल चार्जेस कम कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, यहाँ के सरकार से भी हम पूछ रहे हैं। छोड़िए, यहाँ के सरकार की बात तो अलग है, लेकिन सबकी अहम जिम्मेदारी जो है यहाँ की बीजेपी सरकार है। वो वादा की थी हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे तो जो है गरीबों को जो है सबके साथ विकास होगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी सरकार से कहाँ सबके साथ सबका विकास कहाँ है। आप जो बड़े बड़े पैसे वालों के साथ है गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वालों को रियायतें दे रही हैं। अब तक जो है 5 लाख करोड़ रुपया जो है बैंकों से जो पैसे लेकर जो पैसे वाले जो अदा करने का जो वादा किए थे वो अदा नहीं करने की वजह से 5 लाख से ज्यादा बढ़कर अब जो पेपर में आया कि 8 लाख करोड़ जो है उन बड़े बड़े पैसे वालों को रियायतें माफ कर दिए हैं। तो गरीबों को क्यों माफ नहीं कर सकते? हम जो है डिमांड कर रहे हैं कि ये पेट्रोल के बढ़ते हुए हालात की वजह से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में आप जो है हर महीना गरीब लोगों को कम से कम 7,500 रुपए उनके अकाउंट में डालिए। ये जो है कोरोना के हालात में 35,000 करोड़ रुपया जो है खर्च करने का वादा था, वो क्या हुआ? उसकी वजह से जो है वो खर्च नहीं करने की वजह से तमाम लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है करके हम जो है कह रहे हैं। इसलिए भाई दोस्तों, वो जो कोरोना के हालत में 35,000 करोड़ जो है खर्च करने का वादा पूरा करो और पेट्रोल और डीजल के चार्जेस को कम करो।
वो तो तमाम चीजें हैं, लेकिन हम सबसे अहम मुद्दा जो है बीजेपी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि कोरोना के हालात से आवाम को कितने परेशानी हुई है, वो वैक्सीन क्यों नहीं मिले हैं, वो तो बात की बात है, वो तो सरकारें देख लेना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी थी तमाम लोगों को जो 18 साल से उम्र वालों को सबको जो है वैक्सीन देना करके, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। हम जो है बीजेपी सरकार खासतौर से मरकजी सरकार से ये गुजारिश करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि कम से कम आवाम पर रहम करो, गरीबों पर रहम करो, मजदूरों पर रहम करो, इनका जीना मुश्किल हो चुका है, इनके लिए पेट्रोल और डीजल के चार्जेस अगर कम कर देंगे तो आशा खुर्दनी की चीजें भी कम होंगे, वो कम से कम तरकारी खरीद कर भी जो है खाने के लायक हो जाएंगे, ऐसे हालत मुहैया करना, ऐसे सहूलतें फराहम करना करके हम बीजेपी सरकार से पूछ रहे हैं। इसी तरह से मरकजी सरकार से भी हम डिमांड कर रहे हैं कि फौरन गरीबों के लिए लॉकडाउन से राहत पाने के लिए 7,500 उनके अकाउंट में डालिए और चंद तमाम लोगों को वैक्सीन भी दीजिए। और यहाँ की रियासती सरकार KCR साहब से भी हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब वो तो जो है जुल्म कर रहे हैं, लेकिन आप तो भी जो जुल्म को कम करने से कम सहूलतें करो, आप जो है पेट्रोल और डीजल के टैक्स जो है कम करो, लोगों को राहत पहुँचाओ, उनको जो है उनके तरकारी यानी तमाम चीजें खरीदने के काबिल तो बनाओ, उनको रोजगारी फराहम करो। लॉकडाउन तो लगा दिए और हटा दिए, आप रोज जो है लोग गरीब लोग जो है बाजार में आकर फिर अपने कारोबार पर खड़े होना भी जो उनके लिए मुश्किल है, ऐसे हालात में तमाम दाल तेल दूध वगैरह जो है खरीदना मुश्किल हो चुका है। तो हम तमाम रियासती और मरकजी सरकारों से गुजारिश करते हैं कि फौरन इस तरह से बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के चार्जेस कम करो, फौरन जो है कुछ न कुछ आवाम के लिए राहत फराहम करना करके हम CPM पार्टी की जानिब से मुतालबा कर रहे हैं।